नमस्कार, मैं दक्ष अस्तुला खबर 24 के साथ। आइए आपको बताते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं भवानी मंडी से। भवानी मंडी अन्य क्षेत्र सेवा संस्था भवानी मंडी ने प्रशासन के अनुरोध पर राजस्थान पुलिस सेवा भर्ती परीक्षा के लिए गर्म भोजन वितरित किए। अन्य क्षेत्र सेवा संस्था के द्वारा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में एक भोजनशाला का संचालन किया गया है, जिसके तहत भवानी मंडी में परीक्षा देने आए हुए राजस्थान के सारे जिलों के विद्यार्थियों को बिठाकर गर्म भोजन कराया जा रहा है, जिससे परीक्षार्थियों ने सराहकर बहुत ही हर्ष के साथ तारीफ की है। अन्य क्षेत्र सेवा संस्था के अध्यक्ष गोविंद गुप्ता, सचिव वल्लभ दास गुप्ता एवं सह कोषाध्यक्ष छगनलाल जैन ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग 400 परीक्षार्थियों को बिठाकर गर्म ताज़ा भोजन करवाया गया एवं अन्य क्षेत्र के द्वारा यह व्यवस्था परीक्षा के आयोजित के तीनों दिन शुक्रवार शनिवार रविवार तीनों दिवसीय सुबह और शाम दोनों समय के लिए रहेगी। इस अवसर पर संरक्षण नंदकिशोर सोनी, कालूलाल सालेचा, अध्यक्ष गोविंद गुप्ता, सचिव वल्लभ दास गुप्ता, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष छगन लाल जैन, चंद्रेन शर्मा, रणछोड़ गुप्ता, निर्मल तिवारी, दामोदर शुक्ला, मांगीलाल परतानी, अनिल व्यास, सोनू सरदार, जयेश गुप्ता, सिंटू चतुर्वेदी, अशोक गुप्ता, कमलेश दलाल आदि सदस्य उपस्थित रहे। डग सुकेत मार्ग पर डोटी फटे पर अज्ञात तेज रफ्तार से जीप ने मारी बाइक को टक्कर। दोनों बाइक सवार घायल हैं। डग अस्पताल में जारी उनका उपचार चल रहा है। बता दें कि राधेश्याम बारेठ व ईश्वरलाल बारेठ दोनों बाइक से भवानी मंडी की तरफ डग की ओर से आ रहे थे, तभी डोटी फटे के यहाँ पर पीछे से अज्ञात तेज रफ्तार से जीप ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें डग अस्पताल में पहुंचाया, जहां मेडिकल स्टाफ द्वारा उनका उपचार किया गया। सूचना पर डग थाने के कांस्टेबल मनीष कुमार व सुरेश कुमार स्थानीय स्थान पर पहुंचे। वह बाइक व अन्य सामग्री को कैंपर कर वाहन के जरिए डग थाने में भिजवाया। हेड कांस्टेबल मुबारक हुसैन ने डग अस्पताल में घायलों का पर्चा बयान दिया। अज्ञात जीप की कार्रवाई जारी है। रामगंज मंडी उपखंड अधिकारी राजेश डागा को हरिपुरा डंडिया निवासी मुकेश मीणा द्वारा लगातार शिवाचलय भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता रोकने की शिकायत मिली रही है। इस संबंध में आज उपखंड अधिकारी राकेश डाका ने तहसीलदार जुगल किशोर, भू अधिनियम निरीक्षक भेरूलाल प्रजापति, पटवारी अनूप चौधरी को जाँच के लिए कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने निर्देश पर उक्त राजस्व टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर भूमि का सीमा ज्ञान किया गया। सीमा ज्ञात होते ही यह दौरान चालू हुआ। रामगंज मंडी, अपने खेतों पर पहुंचने के लिए किसानों को करना पड़ रहा है बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना। उन्हें या तो दूसरों की ज़मीन से होकर जाना पड़ रहा है या पगडंडी नुमा रास्ता है जो कि इतना सकड़ा है, जिससे खेत में फसल तैयार हो जाने के बाद फसल को खेत से बाहर लाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जिसमें भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है। ऐसा ही एक प्रकरण सत्यनारायण पुत्र श्री कृष्ण जाति धाकड़ निवासी जगदीशपुरा कनवास से आया गया है। उपखंड अधिकारी राकेश डाका को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया प्रार्थी के द्वारा। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तुरंत सुनवाई करते हुए SDM राजेश अप्रार्थी को न्यायालय में बुला गया व समझाइश की गई। इस प्रकार के विवाद करने पर कोई फायदा नहीं है, बल्कि आर्थिक और मानसिक रूप से आदमी परेशान होता है। इस पर दोनों पक्षों की समझाइश बनी रही। फिलहाल खबरों में इतना ही। तब तक देखते रहिए खबर 24 हर कदम आपके साथ। धन्यवाद। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। छोड़ के मत
बता दाओ एक लीरा बन यारा रे बन यारा रे साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे स्वाद का एकमात्र स्थान बंधू कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधू के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधू मिस्टर भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टॉकीज के पास, बंधू आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।